टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया के अंदर आता है। हमने इससे पहले बात की थी स्टेफालोकोकस की। स्टेफालोकोकस क्लस्टर फॉर्म में था, अब हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई की। ये है चैन फॉर्म में होता है इनका अरेंजमेंट। तो आइए जान लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। तो स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, साथ ही साथ क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स या फिर एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ये कैटलिस्ट निगेटिव होते हैं। कैटलिस्ट निगेटिव का मतलब होता है कि एक चैन फॉर्मेशन में या फिर चैन अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ चैन, यानी कि चैन एक चैन फॉर्म करते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई बोल रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर, जिनको हम डील कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट वन आता है स्टेफालोकोकस पायोजिन्स, जिसको हम ग्रुप ए भी बोल रहे हैं। सेकंड आ रहा है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लाइटी, इसको हम ग्रुप बी बोल रहे हैं। देन आता है एंट्रोकोकाई, देन आता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, एंड लास्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ओके, तो ये सारे के सारे जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर आ रहे हैं, इनको हम डील करेंगे। बट पहले आज हम डील करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स, इसको हम ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं, इसको आज हम डील करेंगे। इसका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी सेम ही है, जैसे कि ये भी क्या होता है, कोकाई स्पेरिकल शेप का होता है। इसका हम देखते हैं कि चैन फॉर्मेशन बनाता है, साथ ही साथ ये एरोबिक और एनारोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, और देखा जाता है कि ये कैटलिस्ट निगेटिव होते हैं। तो ये इसका मॉर्फोलॉजी है। देन हम बात कर लेते हैं अबाउट द सोर्सेज। तो सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो डिसीज कॉज कर सकता है। तो जो सोर्सेज हैं, दैट फॉर द इन्फेक्टेड पेशेंट्स में देखा जाता है कि अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट के, तो ये डिसीज कॉज होने के चांसेस हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा। तो इन्फेक्टेड पेशेंट होगा एक सोर्स। सेकंड हम देखते हैं हेल्थी कैरियर वो होते हैं जो लोग कैरी करते हैं उस बैक्टीरिया को, बट वो कोई भी सिम्टम वो शो नहीं कर रहे होते, यानी कि वो एकदम स्वस्थ होते हैं, उनको डिसीज नहीं होती है इसकी वजह से। तो हेल्दी कैरियर हो सकते हैं। खासकर जो नेजल कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब वो स्नीजिंग करते हैं या फिर कफिंग करते हैं तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अनदर पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है और डिसीज कॉज कर सकता है। जो हेल्दी कैरियर होते हैं वो अपने स्किन में या फिर अपने म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को कैरी करते हैं। वहीं जो इन्फेक्टेड पेशेंट थे उनके बारे में हम देखते हैं कि जो उनको वुंड हो चुका है या उनको घाव हो चुका है, तो हो सकता है उसके पस फॉर्मेशन से या स्पूटम के थ्रू क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने सोर्सेज को डील किया। देन हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखते हैं किस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजिन्स बैक्टीरिया क्या करता है, डिसीज कॉज कर सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, दैट वॉज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी डिस्चार्ज, जैसे पस डिस्चार्ज है या फिर स्पूटम डिस्चार्ज है या फिर थ्रॉट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन चीज़ों के डिस्चार्ज में आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से वो ट्रांसमिट हो सकता है हमारे अंदर। सेकेंड हम देखते हैं कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इल पर्सन है, जिनके वुंड है या फिर जिनके सोर हो चुका है स्किन में, यानी कि घाव हो चुका है, तो देखा जाता है कि इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो दैट्स वाज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम बात करते हैं रिस्क के बारे में कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या किस किस को रिस्क होते हैं अगर ये बैक्टीरिया उनको डिसीज या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जैसे कि हमने बात की थी हेल्दी और अनहेल्दी कैरियर्स के बारे में। तो जो हेल्दी कैरियर्स होते हैं वो कैरी करते हैं लेकिन डिसीज नहीं होता उनके अंदर, वही अनहेल्दी को हो जाती है। तो रिस्क किसको है, रिस्क उन लोगों को होता है जो पहले से क्या है, किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं या फिर जिनको जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। तो वेन अ पर्सन इज इल, यानी कि वो पहले से बीमार हैं, उनको रिस्क है। देन देखते हैं वेन पर्सन हैव स्ट्रेप थ्रोट और इन्फेक्टेड वुंड। ओके, यानी कि अगर इनके उनके बॉडी में कहीं वुंड है, घाव है, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया ईजिली, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घाव बनाने के लिए, और डायरेक्ट वो वुंड में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन देखते हैं जिनको स्ट्रेप थ्रोट है, यानी कि स्ट्रेप थ्रोट में देखा जाता है कि उनके जो कि थ्रोट होता है उसमें रेडनेस और इचिंग जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अगर उनको इस तरीके की बीमारियां हैं तो क्या होता है, इजीली ये डिसीज़ कॉज हो सकती है। ओके, देन हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को डिसीज़ कॉज करने में हेल्प करने में सॉरी डिसीज़ कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें पैथोजेनेसिस में पहले आ जाता है एक बैक्टीरियल सेल। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है, हम सभी जानते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स और लेयर्स पाई जाती हैं, है ना।
तो बैक्टीरियल जो सेल होता है, हम उसके बारे में बात करें तो पहले आ जाता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है वो आ जाता है, जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है उसके ऊपर, यू नो, एक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ जाती है, उसके ऊपर सेल वॉल आ जाता है जो कि पेप्टिडोग्लाइसिन का बना होता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, हमारा कैप्सूल आ जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल होता है। ओके, तो जो ऊपरी लेयर होती है सेल वॉल, सॉरी कैप्सूल, तो कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये क्या करता है, ये किसी भी बैक्टीरिया को वायरलेंस बनाता है, यानी कि उसको डिसीज कॉज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है वो क्या करती है, इनगल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनको ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो जब एक बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है वो भी हाइलुरोनिक एसिड का, तो वो क्या करता है, उस पैथोजेनिस फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देता है और डिसीज कॉज करने में आगे बढ़ जाता है। ओके, देन हम देखते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो कैसे हो सकती है, उसके ऊपर काफ़ी सारे यू नो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, फिम्ब्री हो गया, फिम्ब्री पाई जाती है, फिम्ब्री है ना एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, दैट्स फॉर द एम प्रोटीन। तो वो एम जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, काफ़ी सारे एक अडहेरेंस में काम करता है, यानी कि किसी जगह पे स्टिक होने में काम करता है, जुड़ने में काम करता है, जो होस्ट सेल है वहाँ पे अटैच होने में काम करता है। तो जो फिम्ब्री हो गई वो इस तरीके से काम करती है। देन इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर जो रिलीज कर रही है वो कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरीके से उसको एक होस्ट का जो सेल है, एक ह्यूमन का जो सेल है उसको अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो जैसे कि आ जाता है इसके अंदर एक्सोटॉक्सिन और एंजाइम। ओके, तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल वॉल कैप्सूल के द्वारा सेल के बाहर रिलीज किए जाते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करने के लिए। इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं और साथ ही साथ एंजाइम्स होते हैं। जो टॉक्सिन्स और एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं उस जगह को अपने अनुसार इन्फेक्ट करने में। ओके, तो इसके अंदर एक्सोटॉक्सिन्स आ जाते हैं जिसमें हीमोलाइसिस की प्रोसेस होती है या फिर एर्थ्रोजेनिक टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टॉक्सिन्स हो गए। देन हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स में स्ट्रेप्टोकाइनेस देखा जाता है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है या फिर डीएनएस एंजाइम है। ओके, तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हैं और एक पर्सन को या एक पर्सन के जो स्किन के ऊपर या उसके अंदर डिसीज कॉज करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, देन हम बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिटी की। अभी हमने बात किया पैथोजेनेसिस, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया को डिसीज कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं, वही पैथोजेनेसिटी यानी कि वो कौन कौन सी डिसीज कॉज कर पा रहा है, यानी कि एबिलिटी ऑफ कॉज डिसीज। ओके, देन हम बात करते हैं इसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिम्टम है जिसमें देखा जाता है कि हमारा थ्रोट होता है उसके अंदर इचिंगनेस होती है और आपके थ्रोट में इस तरीके से अनकंफर्टेबल फील होता है पर्सन को। ओके, तो इसके अंदर आ जाता है टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यानी जो टॉन्सिल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस। फेरेंजाइटिस को क्या बोल रहे हैं, जो हमारा फेरिंग्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं फेरेंजाइटिस। तो ये दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इस बैक्टीरिया की वजह से जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, अगर ये दोनों ही है तो हम उसको बोलते हैं फेरिंगो टॉन्सिलाइटिस। ओके, तो अगर ये दोनों मौजूद है तो फेरिंगो टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे, अगर ये टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन है तो टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे, अगर फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन है तो फेरेंजाइटिस बोलेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि जो स्किन है और सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से, उसमें देखा जाता है ये सुपरेटिव इन्फेक्शन होते हैं। सुपरेटिव मतलब होता है यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है जिस जगह पे, उसको हम सुपरेटिव इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो डिसीज आ जाती है या फिर इन्फेक्शन आ जाते हैं उसमें आ जाता है इरिसिपेलस। ओके, इरिसिपेलस क्या होता है, इसके अंदर देखा जाता है एरिथेमा देखा जाता है स्किन के ऊपर, साथ ही साथ रेड स्पॉट्स देखे जाते हैं। इसमें होता ये है कि जो इरिसिपेलस है इसमें जो सुपरेटिव जो अपनी सुपरफिशियली देखा जाता है, खासकर ये अंदर डीप में नहीं जाता और ऊपर से ही स्किन के ऊपर एरिथेमा रेडनेस इस तरीके की चीज़ें करता है। साथ ही साथ जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी क्या करता है अपने कॉन्टैक्ट में ले लेता है, इसको उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। देन हम देखते हैं इम्पैटिगो। इम्पैटिगो क्या है, इम्पैटिगो खासकर चिल्ड्रंस में देखा जाता है, खासकर चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा जाता है। ये भी क्या है, ये सीवियर लीजन्स होते हैं फेस और लिम्फ्स के ऊपर। ये क्या होते हैं, जो हमारे फेस होता है उसकी स्किन पे या फिर हमारे लोअर लिम्फ के ऊपर देखा जाता है, इम्पैटिगो देखा जाता है। इम्पैटिगो कैसा होता है, इम्पैटिगो एक इन्फ्लेमेशन है जो कि स्किन को रेडनेस साथ ही साथ क्रिस्टी लेयर कर देता है, यानी खुरदुरी सी कर देता है। ये लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और मल्टी लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं
प्यूरिफेरल सेप्सिस के बारे में। ओके, प्यूरिफेरल सेप्सिस क्या होता है? ये एक डिसीज़ है जो कि जो फीमेल्स होती हैं जो कि डिलीवर कर रही हैं किसी बच्चे को, उनमें देखा जाता है। जब एक फीमेल एक बच्चे को डिलीवर करने के बाद उनके अंदर जो यूटरस होता है उसकी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिफेरल सेप्सिस बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जो उनके वैजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो पस फॉर्मेशन करने लगते हैं, यानी कि पस फॉर्मेशन होता है उनके वैजाइनल डिस्चार्ज वैजाइना के थ्रू। और साथ ही साथ ये उनको कैसे हो सकता है? ये उनको हो जाता है अगर यू नो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, अगर यू नो कोई कैरियर है जो कि जिसको ये इन्फेक्शन है या फिर जो जो ये कैरी कर रहा है वो क्या कर सकता है? ड्रॉपलेट के थ्रू यानी कि स्नीजिंग वगैरह के थ्रू क्या कर सकता है? एक मदर के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ओके, देन हम देखते हैं इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज। ओके, इसको हम गैस डिसीज भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसको हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें के अंदर ये देखा जाता है कि जो एक ह्यूमन बींग के अंदर हमारे अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारी मसल्स होती हैं मायोआइटिस हो जाता है, यानी मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन देखा जाता है इसके अंदर। तो मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया बोल रहे हैं। देन हम देखते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसके अंदर एक्यूट रूमेटिक फीवर देखा जाता है। रूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिम्टम्स देखे जाते हैं कि फीवर हो जाता है या फिर हाइपोटेंशन देखा जाता है या कार्डियाटिस देखा जाता है, तो इस तरीके की बीमारियाँ देखी जाती हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिसीज भी हो जाए। देन हम बात करते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसे होता है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एम्पेटिगो या फिर फेरेंजाइटिस देखा जाता है और अगर उसको 1 वीक के अंदर ट्रीट नहीं किया जाए तो 1 वीक के बाद क्या ये देखा जा सकता है? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बहुत कम देखा जाता है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तभी आगे चल के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बन जाता है। देन हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में। इसके अंदर क्या होता है? जो बैक्टीरिया है काफ़ी सारे यू नो टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है बीमार करने के लिए, तो इसकी वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स देखे जाते हैं। और अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स को भी ट्रीट नहीं किया जाए तो वो वहाँ पर नेक्रोसिस होने लगता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर। इस तरीके से वो क्या करता है? एक जगह को इन्फ्लेम कर रहा है जिसकी वजह से एक पर्सन शॉक में भी जा सकता है। तो ये हमने देख लिया इसकी पैथोजेनेसिटी, यानी कि कौन कौन सी डिसीज़ ये कॉज करता है। देन हम बात करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम उस बैक्टीरिया को डायग्नोज कर सकते हैं या फिर उसको पहचान सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है। स्पेसिमेन कलेक्शन में हम जिस जगह पर भी वो बैक्टीरिया यू नो अपना इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस जगह का सैंपल ले लिया जाता है। अगर वो स्किन में कर रहा है तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है तो पस का सैंपल ले लेंगे, या पस स्वैप कर सकते हैं, या स्पूटम को हम ले सकते हैं अगर वो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कर रहा है रेस्पिरेटरी में। CSF फ्लूड ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं अगर वो बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया कॉज कर रहा है। अगर थ्रॉट में है तो थ्रॉट स्वैप कर सकते हैं या फिर नेसोफेरिंजियल स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिमेन कलेक्शन के थ्रू उसको एग्जामिन कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। देन हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है इसको देखते हैं, स्टैनिंग करते हैं और स्टैनिंग करके हम पता लगाते हैं इसके अंदर जो भी उसकी मॉर्फोलॉजी है उसके चैन फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो एक चैन फॉर्मेशन में होता है। अगर वो चैन फॉर्मेशन में शो हो रहा है यानी कि वो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेन है। ओके, देन हम कल्चर एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। हम उसको कल्चर करते हैं, कल्चर करके हम देखते हैं कि उसको कितना टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर के बाद उसको हम क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखा जाता है कि इसको 37 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है इसके ग्रोथ करने के लिए। साथ ही साथ इसको अगर CO2 भी इसको इन्वॉल्व कर दिया जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इन्हेंस हो जाते हैं। और हीमोलाइसिस जैसी प्रॉपर्टी से कॉज करता है, यानी कि ब्लड को भी लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है जो RBC सेल्स होते हैं उनको। देन देखा जाता है कि इनरिच्ड मीडिया, यानी कि जो इनरिच्ड मीडिया होता है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और ये ब्लड एंड सीरम के साथ और भी अच्छे से ग्रो करता है। तो ये हमने देखे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देन हम देख लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कैसे कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत सी शुगर्स होती है जिसको हम बोलते हैं माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इनके साथ ही फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है और फर्मेंट करता है और साथ ही साथ ये एसिड प्रोडक्शन करता है इसके बाद, लेकिन गैस का प्रोडक्शन नहीं करता।
देखा जाता है कि ये ज़्यादातर शुगर्स को क्या कर रहा है, फर्मेंट कर रहा है। लेकिन एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोस, तो राइबोस शुगर होती है, इसको क्या करता है, ये फर्मेंट नहीं करता है। तो ये हम कैसे चेक कर पाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू चेक करते हैं। देन हम देखते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है। ओके, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको पेनिसिलिन जी दे सकते हैं जो कि इफेक्टिव है, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। तो ये कुछ मेडिकेशन है जिसको हम दे सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन के थ्रू इसको रोक सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, किसी को ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन फेरेंजाइटिस हो गया है जो कि अपनी एक्यूट कंडीशन में है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसको मेडिकेशन के थ्रू वहीं रोक कर इसको आगे चल के ज़्यादा इसको सीवियर होने से रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर हमने बात किया कि कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिम्स होते हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को आज डील किया है। इसके सोर्सेज को जाना, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखा कि कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, कौन रिस्क देखा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसके पैथोजेनेसिस को देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको डिसीज़ कॉज करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। देन हमने देखा पैथोजेनिसिटी, यानी कौन कौन से डिसीज़ ये कॉज कर पा रहा है। और इसके बाद हमने इसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन को देखा कि इसकी लेबोरेटरी के थ्रू हम कैसे इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में हमने बात करी। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।